हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मारुति अल्टो केटन के इश्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो इश्यू होता है और इसके इश्यू से जो वायर्स निकलते हैं इंजन के लिए, सेंसर के लिए, ओके, आउटपुट निकलता है या फिर इनपुट आता है, कौन से सेंसर पे जाता है और किस सेंसर से आता है, ये सारी चीज़ें हम जो है जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग को ये भी नॉलेज नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि जो सेंसर होते हैं कौन से सेंसर पे कितना वोल्टेज आता है। ओके, तो आज जो अल्टो का जो इश्यू है, अल्टो केटन के बारे में जो है मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, आपको बता दूँगा कि किस सेंसर पे कितना वोल्टेज आता है। ओके, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से सेंसर पे जो वायर आया है वो इश्यू के कौन से कनेक्टर पे गया है और कितने नंबर पिन पे गया है। ओके, जैसा कि मैं मान लेता हूँ कि आपके पास कोई गाड़ी आई और वो स्टार्ट नहीं हो रही है और आप उसे स्कैन करते हैं, डायग्नोस करते हैं और आपको पता चलता है कि जो है इसका क्रैंक सेंसर के वायरिंग में फॉल्ट है, इसलिए जो है हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और आपको उसके जो है क्रैंक सेंसर के पूरे वायरिंग को चेक करना है। ओके, पूरी वायरिंग को चेक करना है सेंसर से ले कर ईश्यू तक। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है, कलर कोड देखते हैं, वायर चीरते हैं, फिर आपको पता लगता है कि ये वाला वायर जो है क्रैंक सेंसर का है। ओके, तो इसमें जो है आपका काफ़ी ज़्यादा समय जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अभी सीख रहे हैं, अभी इस फॉल्ट को दूर करने में उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि जो इश्यू जो क्रैंक जो सेंसर का वायर होता है वो इश्यू के किस कनेक्टर पर गया है, कितने नंबर पिन पर गया है, और दूसरी चीज़ ये भी जानेंगे कि उस सेंसर पर कितना वोल्टेज आता है और कौन सा वायर जो है ग्राउंड है और कौन सा पावर सप्लाई है और कौन सा सिग्नल है। ओके, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था कि भाई जो है मारुति सुजुकी की गाड़ियों पर भी कुछ इस तरह जो है वीडियो बनाया जाए जिसमें हमें वायरिंग में हेल्प मिले और वायरिंग को हम आसानी से जो है वायरिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अब रेडी है आपके लिए और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे मेरा ये फाइल जो है ओपन हो चुकी है मेरी फाइल और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है मारुति सुजुकी अल्टो केटन, तो यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले मैं पूरी डिटेल्स बताने से पहले तो सबसे पहले मैं इसकी डिटेल्स बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि आप कार मैकेनिक हैं आपको तो पता ही होगा, आप समझ भी गए होंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्टो केटन का जो इश्यू है उसमें तीन कनेक्टर होते हैं। ओके, जिसे हम कपलर भी कहते हैं, तीन कपलर कहें या फिर तीन कनेक्टर कहें, तीन कनेक्टर होता है। ओके, तो इस कनेक्टर को कुछ इस कनेक्टर का इंटरफेस जो है कुछ इस तरह होता है। ओके, तो ये वाला जो कनेक्टर है इसे जो है हम C41 के नाम से जानते हैं, जो कुछ दिखने में इस तरह दिखेगा, और ये वाला कनेक्टर जो कुछ इस तरह दिखता है इसे हम C42 के नाम से जानते हैं, और जो जो ये तीसरा वाला जो है कनेक्टर है जो दिखने में कुछ ऐसा है उसे हम G58 के नाम से जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में C41। ओके, तो जो कपलर कुछ इस तरह दिखता है C41 उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका सेक्शन ये है जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, कनेक्टर C41। ओके, तो अब हमें जो है इसमें देखेंगे इसमें इस कनेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी कनेक्शन इसमें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे जो 1 और 2 में जो ब्लैंक है यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे इस तरह लिखा है फ्रेंड्स वहाँ पे कोई वायर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, और वहीं पे पिन नंबर जैसे यहाँ पे ये C41 लिखा है, ये कनेक्टर का नेम है और जो उसके बाजू में जो है 1, 2, 3, 4 ये पिन नंबर है फ्रेंड्स। ओके, तो ये पिन नंबर हो गया, 1, 2 खाली है, फिर 3, 4, 5 में आ जाता है यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का जो है वायरिंग यहाँ से गया है। ओके, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, ठीक है, ये तीनों जो है फ्यूल इंजेक्टर के हैं। उसके बाद 6, 7 पे देख सकते हैं ECM ग्राउंड, ये दोनों वायर जो है 6 और 7 पे जो है ECM ग्राउंड सर्किट का है जिसे हम अर्थिंग भी कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ISC वाल्व कंट्रोल सर्किट, ये खाली है, मेन रिले ड्राइव सर्किट, ये 10 नंबर पिन से ये निकलेगा, ठीक है, यहाँ से 12 नंबर पिन से देख लेते हैं, यहाँ पे रेडी वाटर कूलिंग फैन रिले ड्राइव सर्किट के लिए निकलता है और यहाँ पे उसका वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 13 नंबर पिन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल पम्प रिले ड्राइव सर्किट, और यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे भी आएगा। ओके,
यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलेंगे इस वायर पे, फ्यूल पंप रिले ड्राइव सर्किट। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे इस तरह जो है फ्रेंड्स पूरा आप देख के नॉलेज ले सकते हैं कि C41 है कनेक्टर और यहाँ पे पिन नंबर है और यहाँ से ये कनेक्शन गया हुआ, इस तरह आप समझ सकते हो। और यहाँ पे इतना वोल्टेज आपको चाहिए होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे 15 तक जो है, उसके बाद जो है 16 से यहाँ तक जो है 82 तक पूरा पिन खाली, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 29 पे इग्निशन कॉइल नंबर 1 असेंबल कंट्रोल सर्किट, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। ओके, यहाँ पे नंबर 2 असेंबल कंट्रोल सर्किट, यहाँ फिर भी 5 वोल्ट आएगा। यहाँ 31 ये भी इग्निशन कॉइल पे जाएगा। नंबर 3 पे असेंबली कंट्रोल सर्किट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो इग्निशन कॉइल वाला है, यहाँ पे तीनों पे जो है 5-5 वोल्ट करंट आएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूरा खाली है, ब्लैंक आएंगे। यहाँ पे इस कनेक्टर में सिर्फ जो है 34 पिन है। ओके, तो इसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखेंगे इस कनेक्टर के बारे में। ठीक, तो ये कनेक्टर का नाम है C42, इसे हम जानेंगे C42 के नाम से। तो ये दिखने में कुछ ऐसा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आएंगे यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा C42, ये C42 का कनेक्टर है। ओके, ये वाला, और वहाँ पे अब हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो C42 वाले कनेक्टर में हम आ गए, और यहाँ पे पिन नंबर 1 पर देखेंगे, पिन नंबर 2 पर देखेंगे। तो यहाँ पे मेन पावर सप्लाई सर्किट, मेन पावर सप्लाई, ओके, ईसीयू को मेन पावर सप्लाई इन दोनों वायर पे आएंगे। ओके, उसके बाद ये खाली 3 नंबर, फिर जो है फोन नंबर, जो है 3 नंबर खाली, फिर फोन नंबर ईसीएम ग्राउंड सर्किट, यहाँ पर भी ईसीएम ग्राउंड सर्किट आता है। और इस पिन में C40, C41 में भी 6 और 7 पिन पे जो है ईसीएम ग्राउंड होता है, यहाँ पर भी ईसीयू फोन नंबर पिन पे, और 1, 2 पे मेन पावर सप्लाई होती है। और मैं एक चीज़ आपको और भी दिखा दूँ, यहाँ पे इस कनेक्टर में जो है C42 में 33 पर भी जो जब हम इग्निशन ऑन करेंगे, इग्निशन स्विच सिग्नल यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव 12 वोल्ट यहाँ पर भी आना चाहिए, तब आपका ईसीयू काम करेगा। ओके, तो उसके बाद अभी हमने ये जान लिया, उसके बाद और भी हम देखेंगे। 4 में ईसीएम ग्राउंड, 5 में एसी रेफ्रिजरेंट का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो टीपी सेंसर पावर सप्लाई सर्किट, और यहाँ पे आप वोल्टेज भी इसका देख सकते हो, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। O2 सेंसर का है, हीटर कंट्रोल सर्किट 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा। ओके, 8 पिन पे नाक सेंसर जो होता है, सेंसर सिग्नल सर्किट, यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा। नाक सेंसर ग्राउंड सर्किट, यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा। नाक सेंसर 10 नंबर पिन पे नाक सेंसर ग्राउंड सर्किट 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा। ओके, इस तरह आप देख सकते हो। और C42 कनेक्टर है फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो 12 नंबर पिन, 12 नंबर पिन पे मैप सेंसर जो है, मैप सेंसर सिग्नल सर्किट यहाँ पे निकलता है 12 नंबर पिन से, और ये यहाँ पे वोल्टेज आता है 5 वोल्ट। ओके, इसी तरह ECT सेंसर सिग्नल सर्किट, यहाँ पर भी जो 5 वोल्ट आएगा ECT सेंसर। ओके, IAT सेंसर सिग्नल सर्किट 5 वोल्ट, TP सेंसर सिग्नल सर्किट 5 वोल्ट। ओके, इस तरह फ्रेंड ये जो है ये फुल फॉर्म में है। आप अगर जो आप मैकेनिक है तो आप समझ गए होंगे, अगर जो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आता कौन सा सेंसर है, ये IAT, ECT, MAP, मैप सेंसर, ये नाक सेंसर, ये सब क्या है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसके बारे में स्पेशल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये सारी जो है ये पिन नंबर है, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से ये वाला वायर गया है, और यहाँ पे वोल्टेज इतना इतना यहाँ पे मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, उसके बाद फिर यहाँ पे मैप सेंसर का पावर सप्लाई वाला सर्किट है, मैप सेंसर का, यहाँ पे जो है सिग्नल सर्किट था, सिग्नल सर्किट में 5 वोल्ट था। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी मैप सेंसर पावर सप्लाई यहाँ पर गया है, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही रहेगा। उसके बाद खाली खाली, फिर खाली खाली, उसके बाद जो है सेंसर ग्राउंड सर्किट 12 वोल्ट, व्हीकल स्पीड सेंसर सर्किट इनपुट, ये इनपुट वायर है, इग्निशन स्विच सिग्नल सर्किट यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो C42 कनेक्टर है, और उसके 34 पिन पे और 35 पिन पे केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट जाएगा। और 35 पे देख सकते हो क्रैंक पोजीशन सेंसर सिग्नल सर्किट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम आ जाते हैं और नीचे। हमने दो कनेक्टर का जो है एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है, दो कनेक्टर के बारे में हमने बता दिया, C41 के बारे में बता दिया, C42 के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे G58 के बारे में। ओके, तो ये कनेक्टर जो है देखने में कुछ इस तरह दिखेगा। ओके,
देखने में कुछ इस तरह दिखेगा और इसको हम जानेंगे G58 के नाम से। ओके, अब इसका डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्योंकि ये जो कनेक्टर है जी 58, तो इसमें टोटल पिन है 35, इसमें टोटल पिन है 35, 19 तक यहाँ पर दिया हुआ है और फिर 20 से लेकर 35 तक यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक लाइट, ठीक है, एसी स्विच इनपुट, सिग्नल सर्किट, और यहाँ पे 5 नंबर पिन से जो वायर निकला है इसी उसे वो गया है स्टार्टिंग मोटर कंट्रोल रिले सिग्नल सर्किट पे। ओके, तो इसी तरह जो है आप सारा जो है यहाँ पे देख सकते हो, बाकी खाली है। फिर जो है फिर सिग्नल सर्किट एसी का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 15, 16, 17, 18, 19 ये सब खाली, यहाँ पे कोई वायर नहीं है। उसके बाद अब हम आएंगे 20 नंबर पिन पे, तो 20 पे भी खाली है, कुछ नहीं है। उसके बाद 21, 22, 23 ये यहाँ तक जो है 28 तक ब्लैंक है और ये खाली, यहाँ पे कोई वायर हमारा नहीं है। ओके, उसके बाद फिर इसी कनेक्टर में जो है 29 से फिर जो है हमारा ये चालू होगा सीरियल कम्युनिकेशन लाइन फॉर इमोबिलाइजर कॉइल एंटीना का, ये यहाँ पे जो है वायर यहाँ से गया है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा, आप देख के आप अच्छे से आप समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये खाली है खाली। और यहाँ पे आप देख सकते हो 34 पे जो गया है कैन हाई कम्युनिकेशन सर्किट टू कॉम्बिनेशन मीटर। ओके, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर जो है यहाँ पे 35 पे आया कैन लो कम्युनिकेशन सर्किट टू कॉम्बिनेशन मीटर, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस फाइल को किस तरह आपको डाउनलोड करना है, तो आपको आना है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो अल्टोकेटेन ECM डाउनलोड लिंक यहाँ पे लिखा भी है, और इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपके सामने इंटरफेस आएगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे बाय नाउ लिखा है, लेकिन ये फाइल आपको फ्री में मिलने वाली है, वो कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे और भी आपको फाइलें मिल जाएंगी, लेकिन हर फाइल यहाँ पे फ्री नहीं है, यहाँ पे आपको वही फाइल फ्री मिलने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं वही फाइल आपको दूंगा बताऊंगा जो फ्री होगी। ओके, तो उसके लिए इसे फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे बाय नाउ पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे अपना नेम डालना है और यहाँ पे ईमेल डालना है और उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं भरना है। ओके, इस जगह पे आपको अमाउंट नहीं भरना है, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर जब आप टिक लगा देंगे तो आपको अमाउंट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब क्लाइम यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको जो है डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, और डाउनलोड लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल जो है डाउनलोड होने लगेगी। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो आप देख पाएँ।